दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। और आज की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ धूप। धूप तो नहीं आई है, छाया ज़्यादा है। और मैंने लगाए थे नीचे कपड़े, वैसे तो मैंने एक बाल्टी हाथ के भी धो लिए हैं जो सानू और उसकी दादी माँ के थे। तो मैंने इतने कपड़े देखो छाल भी लिया है भाई, मैं बहुत कामदार सी हूँ। और मैंने अभी और लगाए हैं तो ठंडे में काम करने की वजह से ना जुकाम भी बहुत लग चुका है मुझे अब। और आज कुछ है और हाँ, आज मैं आपको ना एक बात भी बताती हूँ, बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है? एक बुरी खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है, दो खबर है। पहले क्या बताऊँ, चलो पहले बुरी खबर पहले अच्छी खबर बताती हूँ। अच्छी खबर ये है, नहीं पहले बुरी खबर बता देती हूँ, अच्छी खबर के लिए तो अभी बाद में बताऊँगी। तो बुरी खबर ये है कि हमारा जो जैकू था ना, आज 3 दिन हो गए हैं वो घर पे नहीं आया है। और हमने हर जगह पता कर लिया है, मतलब वो जगह नहीं होगी, वो लोग नहीं होंगे जिससे हमने पूछा नहीं होगा कि आपने हमारे जैकू को देखा। क्योंकि पता नहीं हमारे लिए क्या हो रहा है ऐसा, पहले हमारी गाय, उसके बाद अब जैकू भी गुम हो गया है। 3 दिन से घर नहीं आया और पूरे मार्केट में पूरे गांव में हमने पूछ लिया है, पर हमारा जैकू ना ऐसे कहीं नहीं जाता था। और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा जैकू कौन है। जैकू है हमारा डॉगी और हमारा घर का सबसे छोटा मेंबर समझ लो उसको। हाँ, और 3 दिन हो गए हैं वो आज घर पर नहीं आया है। और हमने सब जगह भी पूछ लिया है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं बाघ वगैरह ने खा लिया वो भी हमें पता नहीं है। पर एक दिल कह रहा है ना कि नहीं, बाघ ने नहीं खाया है, वो कहीं चला गया होगा या कहीं ऐसे ही वो हो जाते हैं ना, जैसे उन्होंने बड भबरी जनान, ऐसा भी नहीं हो सकता यार। हमारा डॉगी कभी कहीं नहीं जाता था और 3 दिन हो गए हैं हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी बीच में ब्लॉक में उसकी एक फ़ोटो लगा लूँगी, अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ हमें बता देना। उसके बिना तो हमारा मतलब अजीब सा हो रहा है। कल रात भर हम लोग सो भी नहीं पाए, हमने सोचा था कल तो आ ही जाएगा पर वो नहीं आया कल भी। और आज भी चाचा गए थे मार्केट की ओर उसे ढूंढने के लिए, पर वो कहीं नहीं मिला आज भी। और पता नहीं क्या है, पहले हमारी एक बकरी खाई बाघ ने, उसके बाद हमारी उतनी बड़ी गाय खाई, आज ठीक है 1 महीने बाद कुत्ते को भी बाघ ले गया। नहीं भगवान करे कहीं हो आ जाए 2-3 दिन के बाद घर, और या तो उसको बाघ ने खा लिया है, पर उसे बाघ नहीं खा सकता क्योंकि वो घर से कहीं जाता नहीं था, वो परसों गया मार्केट की ओर, या उसे कोई उठा के ले गया क्योंकि वो दिखने का भी इतना अच्छा था ना और वो किसी को काटता भी नहीं था, तो या वो किसी ने उसको चुरा लिया। मुझे तो वही लग रहा है कि किसी ने हमारे जैकू को चुरा लिया है। अगर कोई ले गया है तो यार प्लीज़ हमें वापस कर देना हमारा डॉगी, हमने भी उस पर बहुत मेहनत कर रखी है। मेहनत क्या होती है, पैसे खर्च करके हम उसे लेके आए थे और हमने अपने घर के सदस्यों की तरह उसे पाल रखा है। और अगर बाघ ले गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो यही है बुरी खबर, मैं बताना चाह रही थी कल से, पर मुझे लगा आ जाएगा पर आज नहीं आया वो। और अच्छी खबर ये है, आज आ रहे मेरे पति आज मोहित जी घर आ रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी घर आ रहे हैं। वो मार्केट पहुंच चुके हैं, बाज़ार मतलब पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ आज 8 महीने बाद मुलाकात होगी हमारी तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आज इंतज़ार हो रहा है घर आने का, पर उनकी बस थोड़ा लेट हो गई थी तो वो आप शाम को ही पहुँचेंगे, पर कहीं नहीं इंतज़ार कर लूँगी। यही है अच्छी खबर। तो गाइज कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, काम भी बहुत है, मिलती हूँ आपको। तो गाइज ये देखिए माड़े में कूटा जा रहा है, पे। आ
दगड़ लग गया, की करूं ये क्यों? हयुम रुको एक ही ना, रुको ना, खराब अजीब सा हो रहा है। तो दोस्तों स्वामी जी भी घर पहुंच चुके हैं और अभी हमने तोड़े माल्टे, और माल्टे भी तोड़े बहुत सारे, पूरे 300 दाने माल्टे तोड़े। तो ना मेरा हाथ बिल्कुल हो गया, एक कट्टा मैं घर बचा के आ गई, एक कट्टा मैंने यहाँ पे रखा है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के प्योर होए क्या हो गया, प्योर माल्टे। और खुशबू तो बहुत अच्छी है पर मेरे को उतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी आती है, क्योंकि मेरा नाक बंद है, ये देखिए। और एक कट्टा मैंने यहाँ पे रख रखा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने लगे हमारे ऊपर को, देखो ये अच्छे से नहीं दिख पा रहे। और देखिए अब पक चुके हैं सारे वहाँ पूरा, और बहुत मेहनत है, सारा खाद डालना पड़ता है घर वाला और जुताई करनी पड़ती है। तो अब जाते हैं घर को, ले जाते हैं कट्टा। तो गाइस अभी मिलते हैं। गाइस हमने सारे गिफ्ट भी खोल लिए हैं कि क्या क्या हमारे लिए आया, तो मैं उसका अगला ब्लॉग बनाऊंगी। और सारे दीदी लोगों को थैंक यू सो मच, हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजने वाले हैं, और ख़ास करके ये लड्डू। तो गाइस अब बनाते हैं हम खाना, क्योंकि पति देव को लगी है भूख। तो मिलते हैं आपको कल। आप अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।